एक्सप्रेस और मैं हूं शरद बाघेला। राजधानी रायपुर में रेलवे स्टेशन से केंद्री तक लगभग 300 करोड़ की लागत से बना 25 किलोमीटर एक्सप्रेसवे लोकार्पण से पहले ही धसकने लगा और उसमें दरार पड़ने लगी और इससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। फिलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अब इस मामले पर जमकर राजनीति होने लगी है। इस बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जिम्मेदार चाहे ठेकेदार हो, अधिकारियों या फिर अन्य कोई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी जांच का आदेश दे दिया गया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू से बातचीत की सोरा संवाददाता सत्या राजपूत ने। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पूर्व सरकार ने तमाम हथकंडे अपनाए। इसी में एक्सप्रेस वे बनाया गया जो लोकार्पण से पहले ही धसकना स्टार्ट हो गया। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं, उनसे जानते हैं। मंत्री जी, ये जो अब जिम्मेदारी किसके आज तक तय हुई है कि इसमें जो घोटाला करप्शन का जो नजारा दिख रहा है कि बिना लोकार्पण हुए ये धसकने लगे? ये पुराने सरकार ने बनवाया है और अभी काम पूरा नहीं हुआ है और उसके बाद धसकने की जैसी खबर आई तत्काल एसीएस से मैंने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश किया है कि उसकी जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो। तो एसीएस उनकी जांच कमेटी बना के घोषणा कर रहे हैं या कर दिए होंगे, आज उनको पहले से कह दिया गया है। तो वो कमेटी फिर पूरी बातों की जाँच करेगी कि उसमें किनकी गलती है, किस किस प्रकार की गलती है, फिर उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। आपके प्रतिनिधिमंडल, आपके सरकार के जो विधायक भी वहाँ पहुँचे थे, तो वो प्राथमिक रिपोर्ट में क्या वहाँ से कुछ प्राप्त हुए रिपोर्ट? नहीं, अभी तो रिपोर्ट कोई आई नहीं है मेरे पास। जांच कमेटी इतना जल्दी रिपोर्ट नहीं आएगा क्योंकि सभी बिंदु पर उनको जांच करना है, जांच करके रिपोर्ट जब आएगी तो जानकारी। एक सवाल भी उठ रहा है कि भाई इसको बनाने के लिए किसी का जिम्मेदारी तय होती है कि ये इनको बनाने हैं, तो फिर इस तरह के जो दुर्घटना होने पे या अपना जो कहा जाए कि करप्शन के मामला सामने आने पे, फिर ये जांच कमेटी के हवाले क्यों होता है? नहीं तो जांच कमेटी से ही तो जो क्लियर होगा ना कि ठेकेदार की गलती है, कि हमारे सुपरविजन करने वाले अधिकारी की गलती है, किसकी गलती है, वो जांच कमेटी अलग से ही होगी और वो पूरी बात उसमें आ जाएगी जी। तो अभी आपने सुना गृह मंत्री जी को, जिनका कहना है कि इस पे जांच कमेटी बैठा दी गई है और जो गलती करने वाले हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।